वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 7 जुलाई को, और एग्ज़ाम अब आपका बहुत नियर है। ये लास्ट टाइम है, रिवीजन का टाइम है, इसीलिए हम लास्ट में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने पैडागॉजी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, 10-10 के दो सेट, और इस वाली क्लास में हम पैडागॉजी के 30 क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। कुल मिलाकर हम 3 सेट जो है यहाँ पर देखेंगे, 10-10 के 3 सेट में आपके लिए क्वेश्चन है। आप यहाँ पर एनालाइज करें, अपने आप को देखें कि आप कितने जो है क्वेश्चन यहां पर कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपके क्लियर होंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट कर जो है वो इसमें रखे गए हैं। इससे क्या होता है, आप क्वेश्चन करेंगे तो पैडागॉजी में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और उनसे क्या होता है जब नए तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो आप इजिली उनको भी क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहां पर रहने वाली है। उसके अलावा अगर आपको साइंस पेपर 2 के लिए नोट्स चाहिए, सारे पैडागॉजी, सारे कंटेंट, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शॉर्ट समरी, सब की पॉइंट, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। उसके रिगार्डिंग आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज करना होगा। व्हाट्सएप वहां पर आप करेंगे 7906761759, तो सारे नोट, सारे PYQ की PDF विद आंसर, सारी शॉर्ट समरी, सारी चीजें जो है वो आपको मिल जाएंगी। उसके रिगार्डिंग आपको 120 रुपीज की पेमेंट करनी होगी, वो सब मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और सबसे पहले हम देखेंगे शुरू के 10 क्वेश्चन। पैडागॉजी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअल सीक्वेंस इन अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक जांच पड़ताल का एक सामान्य क्रम हमें यहाँ पर बताना है कि जब हम कोई वैज्ञानिक जांच पड़ताल कर रहे होते हैं तो उसमें एक सामान्य क्रम क्या होता है। देखिए, जब जाँच पड़ताल करी जाती है, किस चीज़ की हम जाँच पड़ताल करेंगे, पहले हम उसको अच्छे से देखते हैं, ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ पर नंबर 1 पर आ जाएगी। तो 2 ऑप्शन में ऑब्जर्वेशन हमें पहले देखने को मिलता है, उसके बाद हम सीधा एक्सपेरिमेंट करना शुरू नहीं करते, परिकल्पना पहले होगी, हम प्लान करेंगे, अच्छा हम ऐसे ऐसे करेंगे, हमने देख लिया, देख के हमने समझ लिया, फिर हम सोचेंगे कि हमें कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके बाद हाइपोथाइसिस आएगा, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटेशन जो हमने सोचा है वो हम अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम जो कर दिया एक्सपेरिमेंट उसके बाद हम उससे एनालिसिस जो है वो निकालेंगे, और लास्ट में हमारा कॉन्क्लूजन जो है वो हमें वहाँ पर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर जनरली सही सिक्वेंस होगा, किसका, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का। सबसे पहले अवलोकन होगा, फिर कल्पना करी गई, फिर हमने प्रयोग करा और उससे हमने एक विश्लेषण निकाला, और वहां से हमारा जो परिणाम है वो निकल कर आ गया। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 टिक किया है वो पूरी तरह से सही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बताइए क्या आंसर होगा। अ टीचर है क्लास 7th की, वो क्या करती है, एक जो आयरन की रॉड है उसके ऊपर पतला सा जो पेपर है वो उसके ऊपर टाइटली रैप कर देती है, उसके ऊपर चिपका देती है, ठीक है, और उसके बाद क्या करती है, ट्राई टू बर्न द पेपर विद द कैंडल वाइल रोटेटिंग द आयरन रॉड कंटिन्यूसली। अब जैसे मोमबत्ती है, उसके पास क्या करती है, ये जो आयरन की रोड जिसके ऊपर इसने पेपर को पतले से लपेट दिया है, उसको मोमबत्ती के पास लाती है और इस आयरन रोड को घुमाती रहती है, गोल गोल करके घुमाती रहती है। तो हमें बताना है, मतलब इस तरह से टीचर ने वहाँ पर उन्हें बताया है, और फिर टीचर कह रही है डज इट बर्न, क्या ये जल जाएगा। विच प्रोसेस स्किल ऑफ द स्टूडेंट मे बी डेवलप थ्रू दिस एक्टिविटी, यहाँ क्या ये जल पाता है, इस गतिविधि द्वारा बच्चों के किस कौशल का विकास होने की संभावना है वो हमें बताना है। अब देखिए, शिक्षक ने लोहे की किसी छड़ पर ये पूरी जो है लपेटा और घुमाया, फिर इस तरह से पूरी एक्टिविटी वहाँ पर टीचर ने करी, तो सीधी सी बात है बच्चों ने अवलोकन करा होगा, बच्चों ने उसे देखा होगा, तो ऑब्जर्वेशन तो पक्का बच्चों के अंदर डेवलप हुआ होगा। अब जब बच्चे देख रहे हैं, उसके बाद टीचर ने ये भी पूछा डज इट बर्न, तो बच्चे देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वो नहीं बर्न करा, तो उसके पीछे अब बच्चे जो हैं वहाँ पर क्वेश्चनिंग टीचर ने करी कि डज इट बर्न, तो क्वेश्चनिंग तो वहाँ पर हो रही है, और बच्चे परिकल्पना भी जो है यहाँ पर करेंगे कि क्यों नहीं जला, वो सोचेंगे कि ऐसा क्या हुआ जब हमने आयरन रोड के ऊपर पतले से पेपर को चिपकाया तो वो क्यों नहीं जला, तो वहाँ पर फिर वो सोचेंगे अच्छा आयरन तो क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जैसे हीट पर पेपर पर हीट आएगी तो आयरन क्या करेगा, हीट को अपने अंदर ले लेगा, जिस वजह से क्या होगा, पेपर जो है वहां पर जलेगा नहीं, यही प्रोसेस होता है असल में। तो यहाँ पर कौन कौन से स्किल बच्चों के अंदर डेवलप होंगे जब टीचर इस तरह की एक्टिविटी वहाँ पर करा रही है, तो बच्चे के अंदर ऑब्जर्वेशन, हाइपोथाइजिंग और क्वेश्चनिंग करना, प्रश्न करना जो है वो यहाँ पर डेवलप होंगे। क्लासिफिकेशन यहाँ पर वर्गीकरण कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन करेंगे, फिर पूछेंगे बच्चे, उनको समझ में नहीं आ रहा है, सोचने के बाद भी उनको नहीं लग रहा है, तो वो क्वेश्चनिंग करेंगे मैम क्यों नहीं जला, तो टीचर वहाँ पर बताएगी कि आयरन जो है वो गुड कंडक्टर है हीट का, ऊष्मा का अच्छा चालक है, वो हीट को जैसी पेपर पर जाएगी पेपर से अपनी तरफ को खींच लेगा, जिसकी वजह से पेपर जलेगा नहीं। तो ऑप्शन
नंबर सी के साथ जो है यहाँ पर हम चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर हिंदी में जो है बी भी बार बार रिपीट हो गया, तो ये सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, फॉर नर्चरिंग क्रिएटिविटी इन साइंस क्लासरूम अमंग स्टूडेंट अ टीचर शुड डू ऑल द फ्लोइंग एक्सेप्ट, नेगेटिव पॉइंट पूछ रहा है। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता के पोषण के लिए एक शिक्षक को निम्न कार्य करने चाहिए सिवाय किसके, वो हमें यहाँ पर बताना है। एनकरेज स्टूडेंट टू फ्रेम आंसर इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, यही यहाँ पर गलत है। छात्र को नियत तरीके से उत्तर गढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, जबकि साइंस में हम पढ़ते हैं कि इसमें कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें नहीं होती हैं, आप मल्टीपल अप्रोच से मल्टीपल तरीके से चीज़ों को बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों को बोला कि सिर्फ इसी मैनर्स में इतने ही तरीके में आंसर को जो है यहाँ पर आप दीजिए, ये यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्योंकि क्रिएटिविटी, हमें बच्चों के अंदर सृजनात्मकता का पोषण करना है, जहाँ पर बच्चे क्या होंगे खुलकर अपनी चीज़ें बताएंगे, तो हम उनसे ये नहीं कहेंगे चीज़ों को प्रिस्क्राइब्ड मैनर में नियत तरीके से करके दिखाओ, इस तरह का एनकरेजमेंट नहीं होगा। तो यही यहाँ पर निगेटिव पॉइंट होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर वन जो है यहाँ पर टिक किया है, उनका आंसर यहाँ पर पूरी तरह से सही है। बाकी सब यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स है। असिस्ट स्टूडेंट इन डेवलपिंग मॉडल ऑफ इंक्वायरी, पूछताछ और खोज के मॉडल विकसित करना है ना कहीं क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। गाइड स्टूडेंट इन द यूज ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, बहुविषयक दृष्टिकोण का उपयोग करने में छात्रों की मार्गदर्शन करना। प्रोवाइड अ रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट, छात्रों को विविध प्रकार के अधिगम जो अनुभव हैं वो प्रदान करना, वो सब क्रिएटिविटी नर्चर करने में मदद करेंगे। ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर नहीं जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फ्लोइंग आर डिजायरेबल एक्टिविटी इन द कॉन्टेस्ट ऑफ साइंस टीचिंग एंड लर्निंग एक्सेप्ट, फिर से निगेटिव पॉइंट बताना है। विज्ञान शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित सभी गतिविधियां स्वीकार्य हैं सिवाय इसके, प्रमोटिंग अ कल्चरल ऑफ कोलैबोरेशन एंड कंसल्टेशन, बिल्कुल सहयोग और विमर्श के माहौल को प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल सही है। आपस में सहयोग करें, एक दूसरे से विचार विमर्श करें, ये सब चीज़ें तो साइंस में इंपॉर्टेंट है। नए नए आइडियाज वहाँ से निकल कर आते हैं, जो आपकी तार्किक चिंतन है, रैशनल थिंकिंग है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर डेवलप होती है, और साइंस में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजिंग अ रेंज ऑफ एक्टिविटी एंड टास्क फॉर टीचिंग लर्निंग, बिल्कुल शिक्षण अधिगम के लिए विविध गतिविधियां तथा क्रियाकलाप का उपयोग करना, गतिविधियां ये सब करना, अलग अलग क्रियाकलाप करें, ये सब बिल्कुल जो है साइंस टीचिंग में बहुत ही अच्छे जो है पॉजिटिव पॉइंट है। अफर्मिंग द सुपेरियरिटी ऑफ साइंस टू ऑल अदर डिसिप्लिन, यही यहाँ पर गलत है। अन्य सभी विषयों की तुलना में विज्ञान विषय की श्रेष्ठता को स्वीकारना, हम ये नहीं कह सकते कि साइंस ही सबसे इंपॉर्टेंट है, मैथ बेकार है, ऐसे नहीं करना। ऐसे तो बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो दूसरे सब्जेक्ट से हट जाएगा, और जबकि अब हम पढ़ रहे थे पीछे कि यहाँ पर सबको जोड़ कर लेकर चलना है, इंटर डिसिप्लिनरी एरिया, मतलब सब चीज़ें जो है इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पर सुपेरियरिटी नहीं दिखानी है कि श्रेष्ठता नहीं दिखानी है कि विज्ञान विषय ही सुपीरियर है, तो यही यहां पर क्या हो जाएगा आपका निगेटिव पॉइंट होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर थ्री टिक किया है वो वहां पर पूरी तरह से सही है। एश्योरिंग इक्विटी एंड एसेस, समता और सुगमता को सुनिश्चित करना, ये कोई भी गतिविधि अगर हम कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जैसे अगर कोई एक्टिविटी कराई जा रही है तो सभी बच्चों को बराबर इक्विपमेंट जो है वहां पर दिए जा रहे हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा, तो ये एश्योरिंग इक्विटी एंड एसेस जो है ये होना चाहिए, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर थ्री जो है यहां पर एक्सेप्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, अच्छा क्वेश्चन है। इन आर कंट्री पीपल सर्फिंग फ्रॉम जो कॉमन जो डिजीजेज होती है, कॉमन बीमारियां होती है जैसे फ्लू, डायरिया, फीवर एक्सेट्रा, और इस केस में क्या करते हैं हम डॉक्टर को कंसल्ट ना करके खुद से जो है अपनी जो मेडिसिन है वो खुद से ले लेते हैं। टीचर ये बताता है विच में रिजल्ट इन हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, और ये स्वास्थ्य की परेशानियों को क्या करता है उत्पन्न कर सकती है। अब कक्षा आठ के विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें उन्हें आसपास के लोगों की स्वच्छ चिकित्सा प्रणाली का अध्ययन करना है कि वो सेल्फ से कौन कौन से मेडिसिन ले रहे हैं, अपने नेबरहुड में जाकर इसको क्या करना है चेक करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर ऑफ लर्निंग इन साइंस कैन बी असेस्ड इन देयर प्रोजेक्ट, तो हम पर हमको बताना है निम्न में से विज्ञान को सीखने के कौन से सूचकों का उनके प्रोजेक्ट के द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। अब देखिए उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया है, उनको आसपास में जाके देखना है कि लोग कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, वो डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे हैं, मतलब इस तरह से। तो सीधी सी बात है यहाँ पर वो विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे, वो देख रहे हैं चीज़ों को कि अच्छा वो अब मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे, खुद से ले रहे हैं, खुद से क्यों ले रहे हैं, तो ये चीज़ होगी। एक्सपेरिमेंटेशन तो वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कम्युनिकेशन, जब भी मैंने बताया जागरूकता अभियान, जिस तरह से वो जा रहे हैं नेबरहुड में पता लगा रही हैं, वहाँ पर हमेशा कम्युनिकेशन आएगा। तो एनालिसिस हो गया, कम्युनिकेशन, और वो डेटा कलेक्ट करेंगे,
क्योंकि टीचर ने प्रोजेक्ट दिया है स्टूडेंट को टू स्टडी द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ मेडिटेशन इन देयर नेबरहुड। शिक्षार्थी को एक प्रोजेक्ट दिया है जिसमें उन्हें आसपास के लोगों के स्वयं शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करना है। जब उन्हें अध्ययन करना है तो कहीं ना कहीं वहां से क्या करेंगे, वो डेटा जो है उनको कलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर पूरी तरह से सही होगा। वो विश्लेषण करेंगे, संवाद तो वहां पर कम्युनिकेशन तो होगा ही, और आंकड़े इकट्ठे करना, ये जो है इन प्रोजेक्ट के द्वारा इन चीजों का मूल्यांकन जो है यहाँ पर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ यहाँ पर हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। अब देखिए टीचर आस्क फ्लोइंग क्वेश्चन टू स्टूडेंट, एक शिक्षिका ने प्रश्न यहाँ पर पूछे और अब हमें इन प्रश्नों को देखकर बताना है कैसे प्रश्न है। हाउ डू यू यूज इलेक्ट्रिसिटी, देखिए जब मैं आपसे पूछती हूँ आप विद्युत का किस प्रकार उपयोग करते हैं, आप बच्चों से पूछेंगे, छोटे बच्चों से, कि आप बिजली का किस प्रकार प्रयोग करते हैं। तो कुछ बच्चे कहेंगे हम पंखे चलाते हैं, कुछ कहेंगे हम एसी चलाते हैं, मतलब मल्टीपल जगह वो विद्युत का जो है प्रयोग करते हैं। तो बच्चे अलग अलग आंसर वहां पर देंगे। तो कहीं ना कहीं आपने एक जनरल क्वेश्चन पूछा है जिसमें बच्चे अलग अलग जो है अप्रोच रख के अपने अपने आंसर्स देंगे। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कोई बंधा हुआ आंसर जो है हमें यहाँ से नहीं मिलेगा। जबकि बी पॉइंट में अगर क्वेश्चन पूछा है व्हाई इज कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारावाही तारों में बनाने में कॉपर का उपयोग क्यों करा जाता है, तो वहां पर एक आंसर आ सकता है कि सिल्वर होता है अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का, फिर भी हम कॉपर यूज करते हैं क्योंकि कॉपर जो है वो चीप है ना, ये डक्टाइल होता है, इसको वायर में इजीली कन्वर्ट करा जा सकता है, ये आपका सस्ता हो गया, चीप हो गया है ना इस वजह से, और ये गुड कंडक्टर तो है ही इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। तो यहाँ पर मल्टीपल आंसर ना मिलके एक क्लोज एंडेड जो है सभी बच्चे यही लगभग जो है आंसर वहाँ पर देंगे। तो ए हमारा खुले सिरे वाला प्रश्न है और बी हमारा जो है क्लोज एंडेड बंद जो है सिरे वाला प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन बच्चों ने टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। विच ऑफ द फ्लोइंग मस्ट बी कंसिडर्ड बाय अ टीचर वाइल प्लानिंग साइंस एक्टिविटीज ऑफ अ ग्रुप, किसी समूह में विज्ञान के क्रियाकलापों की योजना बनाने के लिए शिक्षक को किस पर विचार करना अवश्य करना चाहिए। दे मस्ट इन्वॉल्व यूज ऑफ एवरीडे मटेरियल एंड इक्विपमेंट, बिल्कुल जब भी आप कोई एक्टिविटी बना रहे हैं बच्चे उसमें तभी जुड़ पाएंगे जब बच्चे उनको आसपास की चीज़ों से कनेक्ट करेंगे, तो वो उसको और इंटरेस्टिंगली जो है वहाँ पर करेंगे। उनमें दैनिक जीवन की सामग्री और उपकरण के उपयोग करने को कहना, ये बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। दे कुड बी प्लान एंड कैरिड आउट बाय द स्टूडेंट इन अ वैरायटी ऑफ वे, बिल्कुल उन्हें विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाबद्ध और संपन्न किया जाना चाहिए, मतलब अलग अलग तरीकों से, ऐसा नहीं कि एक ही मेथड से आप किसी रिजल्ट पर आ रहे हो, अपने अपने तरीकों से करने के लिए कहना, क्योंकि हर बच्चे की थिंकिंग अलग है, हर बच्चा अलग आइडिया लेकर आएगा, तो वैरायटी ऑफ वेज वहां पर होने चाहिए जब कोई एक्टिविटी करा रहे हैं। तो ए और बी जो है बिल्कुल पूरी तरह से सही है और सही स्टेटमेंट ही हमसे पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है जिन बच्चों ने टिक किया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप साइंस में नहीं होती हैं चीजें। दे शुड नॉट इन्वॉल्व इन अ ग्रेट डील ऑफ डिस्कशन, डिस्कशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है साइंस में, क्योंकि वहाँ पर नए नए आइडियाज़, नए नए थिंकिंग जो है बच्चों के सामने निकल कर आती है, तो डिस्कशन वहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और इनको हटा देना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो सी और डी यहाँ पर निगेटिव हो गए, पॉजिटिव पॉइंट जो है वो ए और बी है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ऑल द फॉलोइंग प्रैक्टिसेज मे बी हेल्पफुल इन डेवलपिंग रैशनल थिंकिंग एक्सेप्ट, निम्न में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी तर्कसंगत सोच को विकसित करने के लिए उपयुक्त है। तर्कसंगत सोच मतलब जहां बच्चे अपने अलग अलग विचार लेकर आते हैं, मतलब कुछ अलग सोच रहे हैं, वो तर्कसंगत सोच करने के लिए कुछ उनमें अलग ही जिज्ञासा है, तो उसको विकसित करने के लिए सारे प्रैक्टिस हेल्पफुल हैं सिवाय किसके, वो हमें बताना है। एनकरेजिंग स्केप्टिसिज्म, संदेहवाद को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल जब संदेहवाद होगा तभी तो रैशनल थिंकिंग, जैसे आपने देखा होगा डिबेट होती है, बहस होती है चैनल वगैरह पे, तो वहां पर कहीं ना कहीं वो उनकी तर्कसंगत सोच जो है ना वो कहीं ना कहीं विकसित होती है, वो और गहनता से सोचते हैं और अलग अलग अपने आंसर देते हैं, कहते अच्छा ऐसे क्यों हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वो रैशनल थिंकिंग जो है वहां पर जो है बनती है। तो एनकरेजिंग स्केप्टिसिज्म, संदेहवाद को प्रोत्साहन करना बिल्कुल इससे होता है। अवॉइडिंग कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज, यही यहाँ पर निगेटिव पॉइंट होगी, इनको अवॉइड नहीं करना जबकि इन पर तो डिस्कशन होना चाहिए, विवाद संपद मुद्दों से बचना, बचना नहीं, इनको डिस्कशन करेंगे तो रैशनल थिंकिंग जो है तर्कसंगत सोच जो है वो कहीं ना कहीं विकसित होगी, इनको अवॉइड नहीं करना। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 टिक किया है वही यहाँ पर आंसर होगा। बाकी लुकिंग फॉर अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण परिणाम है ना, कि क्या कारण है उसका परिणाम क्या, उन संबंधों को खोजना, इनसे रैशनल थिंकिंग डेवलपमेंट होगी। कंसल्टिंग रिलायबल एंड लिटरेचर इन साइंस, विश्वसनीय वैज्ञानिक साहित्य से परामर्श लेना, ये सारे तर्कसंगत सोच को विकसित करेंगे। बाकी अवॉइडिंग कंट्रोवर्शियल इश्यूज यहाँ पे जो है ये नेगेटिव पॉइंट होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, इसको अवॉइड नहीं करना जबकि इनको तो हमें जो है इन्वॉल्व करना है, इन चीज़ों को कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। अ टीचर पुट अ लीफ इन अ टेस्ट, लीफ जो है पत्ती जो है एक परखली में डालती है, उसमें अल्कोहल डाला और उसे तब तक गर्म करती है जब उसका हरा रंग निकल जाता है, उसके बाद पत्ती को बाहर निकाला और उस पर क्या करती है, वो आयोडीन का विलयन डालती है। पूरा ऐसे ही होता है, अगर हमें स्टार्च का टेस्ट करना होता है पत्ती में, एनसीईआरटी में दिया है कि अगर हमें किसी पत्ती पे लीफ पे स्टार्च जो मंड है उसका टेस्ट करना है, तो उसमें ऐसे ही करा गया, पहले क्या करा लीफ
कोप में अल्कोहल डाला, उसको गर्म कर लिया, उसका हरा रंग जब निकल जाएगा तो उसके ऊपर फिर बाद में क्या करेंगे, लीफ के ऊपर जो पत्ती है उसके ऊपर से हम आयोडीन का जो सॉल्यूशन है, क्योंकि जो स्टार्च है मंड है उसके टेस्ट के लिए हम आयोडीन डालते हैं, और आयोडीन के सॉल्यूशन डाला। द स्टूडेंट राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन देयर नोटबुक, छात्रों ने निम्न कथन अपनी कॉपी में लिखे। अब उन्होंने कॉपी में लिखा द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर। अब उन्होंने देखा होगा, सीधी सी बात है, जब टीचर ने आयोडीन उस पर डाला, जब टीचर ने आयोडीन डाला तो क्योंकि पत्ती में स्टार्च होता है, पत्ती में जो है आपका मंड होता है, तो वहां पर ब्लू ब्लैक कलर जो है वो देखने को मिलेगा। तो बच्चों ने जो देखा वो लिख लिया। तो यहाँ पर ये जो चीज है ये क्या है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। बच्चों ने देखा उसका जो है आपका नीला काला रंग हो गया, तो ये ऑब्जर्वेशन है। और उससे फिर एक निष्कर्ष इन्फ्रेंस निकल कर आया कि जो लीफ है उसमें क्या होता है, उसमें स्टार्च जो है वो होता है, पत्ती में स्टार्च है, वो दिख थोड़ी रहा है, लेकिन उससे एक निष्कर्ष आ गया, क्योंकि ब्लू ब्लैक कलर आ गया ना, वो तो ऑब्जर्वेशन है। फिर उससे एक चीज़ हमें पता चली कि अच्छा ब्लू ब्लैक कलर शो कर रहा है, इट मीन्स पत्ती में क्या है, पत्ती में स्टार्च है, मंड है। तो ऑप्शन नंबर वन जो है जिन बच्चों ने टिक किया वो यहाँ पर सही है, ए हमारी ऑब्जर्वेशन है जो बच्चे ने लिखी कॉपी में, और बी वहाँ पर क्या है, वो आपका इन्फ्रेंस है, वो आपका निष्कर्ष है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, टीचिंग साइंस थ्रू डिस्कवरी, खोज द्वारा विज्ञान शिक्षण क्या है, ये हमको यहाँ पर बताना है। बताइए किस पर, ये टीचर सेंटर नहीं होती, डिस्कवरी में क्या होता है, बच्चा ही सेंटर में होता है, मेमोरी बेस्ड नहीं होती, क्योंकि इसमें तो बच्चे क्या होते हैं, जो आइडिया उनके मन में आता है वो उसी के अनुसार क्या है, अपने चीजें करते चले जाते हैं। फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन जिन बच्चों ने टिक किया है वो सही है, खोज द्वारा विज्ञान शिक्षण। अब देखिए खोज द्वारा में क्या है, बच्चे चीजों को खोज रहे हैं, अब खोज रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि फोकस ऑन द प्रोडक्ट, जो देखिए साइंस में रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है बच्चों के केस में वो मैटर नहीं कर रहा, बच्चों ने क्या प्रक्रिया अपनाई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कवरी इन साइंस जो है वो फोकस करता है किस पर, फोकस इज ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान करना कि आपने क्या स्टेप्स फॉलो करे, किस तरह से आप अपने रिजल्ट पर आए, चाहे वो गलत है या सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहां पर सही हो जाएगा। इस तरह से हमने ये 30 क्वेश्चन, तो इस तरह से हमने ये पेडागोजी के शुरू के 10 क्वेश्चन देखे। अब हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो पेडागोजी के देखेंगे। पैडागोजी का पहला क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, कथनों को पढ़ें, सही विकल्प का चयन करें। असर्शन हमें यहाँ पर दिया है, अभिकथन यहाँ पर हमको दिया है, स्कूल साइंस टेक्स्ट बुक नीड टू इंक्लूड एपिसोड ऑफ हिस्ट्री, और इसे ही हम हिस्टोरिक वैलिडिटी भी बोलते हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री से कैसे कैसे इवोल्यूशन होता चला आया है, कौन कौन सी गलतियों से, कौन कौन सी गलतियाँ हमें नहीं दोहरानी है, ये हिस्ट्री हमें बताती है, और साइंस में फिर हम उसी हिसाब से चलते हैं, तो हिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो हिस्ट्री को इन्वॉल्व करना चाहिए साइंस में, ये असर्शन पूरी तरह से सही है। इसके पीछे का रीजन हमें क्यों करना चाहिए, कारण यहाँ पर क्या दिया है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ आइडिया इन साइंस इज इंपॉर्टेंट फॉर द होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, ये बात भी यहाँ पर सही है। विज्ञान की पूर्ण समझ के विकास के लिए विज्ञान की अवधारणाओं के ऐतिहासिक विकास को समझना जरूरी है। देखिए आज क्या चल रहा है वो तो है, लेकिन इतिहास में क्या हुआ वो गलतियाँ हमें नहीं दोहरानी है, तो उसको भी देखना जरूरी है, तभी हम पूर्ण रूप से एक जो है सब पूर्ण समझ जो है वो तभी विकसित हो जाएगी जब हमें ये भी पता होगा कि पहले क्या हुआ था, आज जो हो रहा है वो तो हमें पता ही है। तो इसलिए हिस्ट्री को लेकर जरूर लेकर चलना है हमें साइंस में, ये पूर्ण समझ के विकास में बहुत बड़ा योगदान प्ले करती है। तो अभी कथन और उसके पीछे का जो कारण दिया है दोनों ही यहाँ पर सही है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सेकेंड सही किया है कि ए और आर दोनों करेक्ट हैं, सही हैं, और आर उसकी सही एक्सप्लेनेशन व्याख्यान भी यहाँ पर कर रहा है, और इसे ही हम हिस्टोरिकल वैलिडिटी बोलते हैं साइंस में, जब हम इतिहास को भी क्या करते हैं साइंस में सम्मिलित कर लेते हैं, तो वो आपकी हिस्टोरिक वैलिडिटी होती है कि समय के साथ साथ क्या क्या इवोल्यूशन हुआ, कभी कभी पूछ लेता है ये किस वैलिडिटी को दर्शाता है, तो ये आपकी हिस्टोरिकल वैलिडिटी जो होती है, ऐतिहासिक वैलिडिटी जो होता है उसी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग साइंटिफिक थ्योरीज, दो चीज़ होती हैं थ्योरी और लॉ, तो साइंटिफिक थ्योरी के विषय में कौन से कथन सही हैं ये हमको बताने हैं। दे एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल दी गई सूचना के आधार पर अवलोकन की व्याख्यान है ये, बिल्कुल जो ऑब्जर्वेशन हमने देखा, हमने जैसे जो चीज़ देखी, जो भी ये चीज़ वहाँ पर घट रही थी, और उसका एक वर्णन देना, उसको एक्सप्लेन करना ही क्या होता है साइंटिफिक थ्योरी होती है, ये बात बिल्कुल सही है। दे कैन मेक प्रेडिक्शन अबाउट रिजल्ट ऑफ फ्यूचर ऑब्जर्वेशन, ये भविष्य कि अवलोकनों के जो निष्कर्ष निकल कर आएंगे उनके संदर्भ में पूर्ण अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हमने पहले से बहुत सारी थ्योरीज करी होती हैं, तो भविष्य में जो हम अवलोकन करेंगे, जो ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसका जो प्रिडिक्शन है, उसके रिजल्ट का प्रिडिक्शन पहले से ही करा जा सकता है, ये बिल्कुल बात सही, क्योंकि साइंटिफिक थ्योरी में ऐसा ही होता है, तो जो भविष्य में होगा उसके बारे में भी प्रिडिक्शन हम यहां पर लगा सकते हैं। तो ए और बी यहां पर साइंटिफिक थ्योरीज को पूरा सही बता रहे हैं, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनका आंसर सही है। दे
आर जनरलाइजेशन ऑफ एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, ये लॉ के बारे में कह रहा है, जो ऑब्जर्वेशन है उनको क्या करा गया, प्रयोग करने के बाद जो जनरल स्टेटमेंट वहाँ पर आती है वो आपका साइंटिफिक लॉ होता है, ना कि थ्योरी। ये प्रयोगाक्षित अवलोकनों के व्यापीकरण हैं, तो ये बात यहाँ पर गलत है। वंस प्रूव्ड अ थ्योरी कैन नॉट बी डिसअप्रूव्ड, एक बार सिद्ध होने पर सिद्धांत का निरुन्मोदन नहीं किया जा सकता, ये बात भी गलत है। इनको डिसअपॉइंट किया जा सकता है, थ्योरी मैंने बताया था इनको इजीली चेंज किया जा सकता है, ये आपकी डिसअप्रूव्ड भी हो सकती है, लेकिन जो लॉज होते हैं क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन पर बार बार प्रयोग करने के बाद प्राप्त होते हैं, तो लॉ को चेंज करना आसान नहीं है, उनको इजीली डिसअप्रूव नहीं किया जा सकता लॉ को, लेकिन थ्योरीज को किया जा सकता है, क्योंकि ये तो सिर्फ क्या है, जो ऑब्जर्वेशन है उसका एक्सप्लेनेशन है। तो सी और डी यहाँ पर गलत हैं, और ये और बी ही जो है मेरे यहाँ पर सही होंगे, ऑप्शन वन आंसर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीचर गिव द फॉलोइंग टास्क टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स, कक्षा छः के विद्यार्थियों को निम्नलिखित कार्य जो है यहाँ पर दिया गया, टीचर ने क्या बोला, विजिट अ गार्डन, अपने उद्यान या जो स्थानीय नर्सरी है वहाँ पर जाएं, एंड आइडेंटिफाई द प्लांट विच आर हेल्दी, और उन पौधों की पहचान करें जो स्वच्छ पौधे हैं, एंड गिव रीजन फॉर आइडेंटिफाइंग दूस प्लांट एज हेल्दी, उन पौधों को स्वच्छ कहलाने के पीछे कारण क्या है वो भी आपको बताने हैं, विच प्रोसेस स्किल आर बींग प्रमोटेड इन दिस एक्टिविटी, उस क्रियाकलाप में कौन से प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए विजिट कर रहे हैं गार्डन में, प्लांट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन तो पक्का होगी, तो ऑब्जर्वेशन पक्का होगी, तो ये दोनों ऑप्शन हो गए यहाँ से बाहर। तो ऑब्जर्विंग तो बच्चे कर रहे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, टीचर ने बोला भी है कि फिर बताइए कि कौन से जो पौधे हैं वहाँ पर हेल्दी हैं और उनके पीछे का कारण क्या है वो भी बच्चों को लिखना है, तो उनको पूरा प्रॉपर डिफाइन भी करना है, तो डिफाइनिंग ऑपरेशनली भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो वो अवलोकन करना और परिचालन परिभाषित करना जो है यहाँ पर स्किल जो है वो डेवलप हो रही हैं, तो ऑप्शन नंबर वन जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट असेसमेंट फॉर लर्निंग इन साइंस, निम्न में से क्या विज्ञान के संदर्भ में अधिगम के लिए आकलन को दर्शाता है। देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम पढ़ते हैं, CDP में भी आप पढ़ते होंगे, हम बच्चे का आकलन जो है बीच बीच की जो गतिविधियां होती हैं उनके माध्यम से करते रहते हैं, जैसे कोई लेबोरेटरी वर्क हो रहा है उसमें हम देख रहे हैं बच्चे, जैसे बच्चे की क्या कमी है, बच्चा एक्सपेरिमेंट तो कर रहा है लेकिन वो परखनेली को सही से नहीं पकड़ पा रहा, कहीं ना कहीं मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बीच बीच के कार्य के दौरान ही हम बच्चे की कमियों को करते रहते हैं, तो वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है। वो आकलन कैसे हो सकते हैं, अगर आप इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट दे रहे हैं, अनुसंधानिक प्रयोजन करवा रहे हैं, फील्ड ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है सेशन के बीच में होता रहता है, वहीं पर हम कमियां पता करते रहते हैं और उनको दूर करते रहते हैं, टीचर जो है बच्चे को ऑब्जर्व करता है, देखता है, तो वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, बीच बीच में ही कमियों को बताना। तो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट के माध्यम से इससे हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो साइंस में बच्चे की कर सकते हैं। देखिए एनुअल एग्जाम जो होते हैं ये सारी चीजें किस में जाती है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में जाती है, और असेसमेंट फॉर लर्निंग को ही हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम सबमिटिव असेसमेंट बोलते हैं, जो टर्म के एंड में होता है, जैसे एनुअल एग्जाम हो गए, तो क्या है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जब हमने बच्चे का बाद में क्या करा, एक टेस्ट वगैरह जो है वो करा लिया, लेकिन बच्चे के बीच बीच में अगर हम आकलन कर रहे हैं तो वो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाता है। और एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग, जिसमें बच्चे क्या करते हैं अपना खुद से आकलन करता है, स्वत आकलन जो होता है, सेल्फ असेसमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी ही कमियों को खुद से जानना, अपने अंदर देखना, वो है असेसमेंट एज लर्निंग। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जिन बच्चों ने टिक किया उनका पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूरी उम्मीद है जेंडर के ऊपर आपको मिले, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, एक नंबर पक्का करेगा आपका। असर्शन, अभिकथन क्या है, जेंडर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अचीवमेंट इन साइंस, विज्ञान की उपलब्धियों में जेंडर की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए ये स्टीरियोटाइप थॉट है, ऐसा कुछ नहीं है, जेंडर कोई मैटर नहीं करता, गर्ल हो बॉय हो, किसी ने भी कुछ भी अगर खोज की है तो वो एक बस अचीवमेंट है साइंस में, इससे मैटर नहीं करता कि जेंडर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि नहीं, लड़की ही करेगी पर्टिकुलर लड़का, तो जेंडर कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता इन अचीवमेंट ऑफ साइंस, पूरी तरह से ये बात क्या है, गलत है, असर्शन गलत है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्ट्रेटजीज आर डिफरेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, फिर से ये चीज गलत कर रहा है हम। समावेशी शिक्षा जो होती है वो यही कहती है कि सबको एक साथ लेकर जाना है, तो लड़के लड़की वहां पर अलग नहीं होंगे, तो ये तो बिल्कुल स्टीरियोटाइप दिखाता है, जेंडर
को मतलब गलत प्रेजेंट कर रहा है, तो कारण भी यहाँ पर गलत है, दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 टिक किया है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाइन विद द रिकमेंडेशन ऑफ NCF 2005 रिगार्डिंग साइंस एजुकेशन एट अपर प्राइमरी स्टेज। आपसे निगेटिव पॉइंट पूछ रहा है कि कौन सा रिकमेंडेशन नहीं दिया है NCF 2005 ने जो उच्च प्राथमिक, जो ये हमारी अपर प्राइमरी स्टेज होती है। एक्सपेरिमेंट शुड बी अवॉइडेड, देखिए यही नहीं दिया है। एक्सपेरिमेंट तो कराए जाएंगे, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एक्सपेरिमेंट को अवॉइड नहीं करना है। इससे तो बच्चा खाली बस थ्योरी रटेगा, उनको प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा और फिर अपनी डे टू डे लाइफ में भी चीज़ों को नहीं कर पाएगा। तो एक्सपेरिमेंट को अवॉइड नहीं करना है एज दे डिफिकल्ट टू कंडक्ट एट दिस स्टेज, तो यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये NCF ने रिकमेंड ऐसा कुछ नहीं बोला है कि एक्सपेरिमेंट को हमें अवॉइड करना है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 1 ही टिक किया होगा उनका आंसर यहाँ पर सही है। स्टूडेंट शुड बी एंगेज इन डेटा कलेक्शन फॉर इजिली अवेलेबल रिसोर्सेज, ये तो होता है। देखिए डेटा कलेक्शन करवाया जाता है बच्चों से, कोई भी हम अगर उनसे इन्वेस्टिगेटरी वर्क करा रहे हैं तो उनको पहले क्या कहता है, बोला जाता है कि आप डेटा कलेक्ट करो, है ना, रिसर्च करो, उसके बाद हाइपोथेसिस परिकल्पना करो, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें कराई जाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। देयर शुड बी एम्फेसाइज ऑन द प्रोसेस, प्रोसेस स्किल पर, मतलब ये नहीं देखना रिजल्ट क्या आ रहा है, बच्चा कर क्या रहा है, उसने क्या स्टेप फॉलो करे, वो इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस स्किल पर बल दिया जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट लोकल स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी शुड बी इंक्लूडेड, प्रैक्टिकल नॉलेज, स्थानीय विशिष्ट तकनीकों के बारे में व्यवहारिक ज्ञान को सम्मिलित करना, ये सब पॉजिटिव पॉइंट है। तो पहला ही यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव होगा। प्रयोगों से बचना चाहिए क्योंकि इस स्तर पर उन्हें कराना कठिन है, तो ये ऐसा कोई NCF 2005 के द्वारा नहीं दिया गया है, तो ये हो गया हमारा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। आपसे पूछेगा कि कौन सा खुले सिरे वाला प्रश्न है वो हमें बताना है। खुले सिरे वाला प्रश्न वो होता है जहाँ पर मल्टीपल आंसर आते हैं, जिसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होता। जैसे मैंने बोला व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो सारे बच्चों ने आंसर दिया दिल्ली, तो वो क्या है, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर आंसर आया। लेकिन जब मल्टीपल आंसर आते हैं, अलग अलग आंसर आते हैं, तो वो होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, जहाँ पर सोच कर जवाब देना होता है, अपने मन में जो आइडिया है वो हम बता रहे हैं, तो वो है ओपन एंडेड खुले सिरे वाला प्रश्न। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइडिंग एंड रोलिंग, सीधा सा बुक में लिखा होगा, बच्चे उसी को देखकर बता देंगे, तो क्लोज एंडेड है। डू ऑब्जेक्ट मूव, देखिए जब भी यस या नो का आंसर आता है वो भी आपका क्लोज एंड में ही चला जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर आंसर वहां पर आएगा, तो ये भी हट जाएगा। हाउ डज द स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ अ बोट हेल्प इन मोशन, किसी नाव की जो रेखीय धारा आकार है उसकी गति में जो है मदद प्रदान करती है, तो ये भी एक पर्टिकुलर आंसर वहां पर होगा। लेकिन जब भी कोई ऐसा पूछा जा रहा है जो चीज नहीं है वो होने करवाई जा रही है, जैसे व्हाट वुड हैपन इफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन सीज्ड टू एग्जिस्ट, क्या होगा यदि घर्षण बल का अस्तित्व ना हो, तो बच्चे वहां पर कहेंगे अरे जब टीचर ने समझा दिया घर्षण फ्रिक्शन, तो बच्चे कहेंगे कार तो कभी रुकेगी नहीं, हम चलते हैं, हम नहीं रुकेंगे, पेन से लिख रहे हैं तो वो रुकेगा नहीं, तो सीधी सी बात है फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। वहाँ पर मल्टीपल आंसर आएंगे, क्या होगा, क्या कर दिया जाए, इस तरह के क्वेश्चन ओपन एंडेड होते हैं। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 टिक किया है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द स्टेटमेंट साइंस इज टेंटेटिव। हम विज्ञान के नेचर के बारे में पढ़ते हैं कि विज्ञान कैसी है, परखशील है, विज्ञान जो है परिवर्तित होती रहती है, टेंटेटिव है, अस्थायी है विज्ञान, तो इस कथन की सही व्याख्यान क्या करता है। देखिए विज्ञान अस्थायी है, टेंटेटिव इसलिए है क्योंकि विज्ञान में परिवर्तन डेवलपमेंट जो है वो होते रहते हैं, तो ये स्टेटमेंट इसको बताता है कि विज्ञान क्या है, विज्ञान विकासशील है, इसमें विकास होते रहते हैं, इसलिए हम विज्ञान को स्थायी ना कहकर अस्थायी कहते हैं, परिवर्तन इसमें हमेशा होते रहते हैं क्योंकि साइंस इज डेवलपमेंटल। तो ऑप्शन नंबर 1 जिस बच्चों ने टिक किया है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ट सूटेड टू डेवलप डिडक्टिव रीजनिंग इन द स्टूडेंट। देखिए दो तरह की रीजनिंग होती है, एक होती है इंडक्टिव। इंडक्टिव में क्या होता है, पहले हम एग्जांपल देते हैं और फिर हम क्या होता है जो कॉन्सेप्ट होता है वो बताते हैं। लेकिन जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है, पहले उसमें हम कॉन्सेप्ट बताते हैं और फिर हम जो है एग्जांपल की तरफ जाते हैं। तो अब हमें यहां पर डिडक्टिव रीजनिंग जो है उसी को लेकर यहां पर बेस्ट क्वेश्चन बताना है। निम्न में से कौन सा प्रश्न छात्रों में निगमनात्मक तर्क विकसित करने के लिए उपयोगी है। तो निगमनात्मक तर्क में क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर हम जो है बच्चे से कोई चीज़ पूछेंगे या कोई एग्जांपल जो है या कोई एक्टिविटी जो है उसको बाद में कराएंगे। वाई डज द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इनहेलेशन। देखिए कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया पहले, तो इसलिए डिडक्टिव में नहीं आएगा। सेम ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी डिडक्टिव में नहीं आएगा। अब देखिए निगमनात्मक जो रीजनिंग है उसमें ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, प्लांट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले हमने कुछ बच्चे को कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट बता दिया कि प्लांट क्या है, प्लांट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फिर हम उससे कुछ पूछ रहे हैं कि डू प्लांट रेस्पायर, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल दिया तो हाँ भैया वो रेस्पायर करते हैं। तो पहले हमने यहाँ पर क्या करा, कोई स्टेटमेंट बता दी, कोई कॉन्सेप्ट बता दिया। जब पहले कोई कॉन्सेप्ट या स्टेटमेंट बता दी जाती है तो वो निगमनात्मक में आ जाती है। तो पादप जो है वो जीवित होते हैं, उसके बाद हम कोई क्वेश्चनिंग करें कि आप पादप श्वसन करते हैं तो वो यस हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर निगमनात्मक तर्क को विकसित करना दिखा रहा है कि पहले कॉन्सेप्ट बताया, देन हम कोई क्वेश्चन या एग्जांपल जो है उसकी तरफ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन बच्चों ने टिक किया है उनका ये पूरी तरह से सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, अ बर्निंग कैंडल गेट पुट आउट आफ्टर सम टाइम ऑफ बींग कवर्ड विद अ ग्लास जार, विच ऑफ द फ्लोइंग इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन। एक जलती हुई मोमबत्ती एक कांच के जार से ढकने पर कुछ समय पश्चात बुझ जाती है, उपरोक्त अवलोकन से निम्न में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं ये हमें बताना है। अब देखिए ये हमने कैंडल रखी हुई थी इस तरह से, अब इसके ऊपर हमने ग्लास को ढक दिया, ये कैंडल क्या होगी कुछ समय बाद बुझ जाएगी, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया। आप अपनी क्लास में एक्सपेरिमेंट कराते हैं और आप ऐसे बच्चे हैं तो आपको क्या लगेगा, तो आप कहेंगे कि एयर का कांटेक्ट वहां पर खत्म हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ, कैंडल जो है वो बुझ गई। अब ये तो हमें पता है कि एक फ्लेम को जलने के लिए, एक आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ दिया जाए, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, वो ज्यादा भारी होती है, तो वो क्या करती है ऑक्सीजन के एक लेयर बन जाती है उसकी, वो ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ देती है और आग बुझ जाती है। तो यहां पर देखिए बच्चे को नहीं पता, बच्चा थोड़ी देख रहा है कि बच्चे को तो एयर पता है कि एयर इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग कैंडल। अब उसको उस एयर में से ये थोड़ी पता है कि इतना अमाउंट का ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन ने क्या करा कैंडल को बुझा दिया। तो यहां से जो निष्कर्ष निकल कर आएगा इस ऑब्जर्वेशन से, जो बच्चों ने देखा उस देखने से, बच्चे ये नहीं कहेंगे कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग कैंडल, वो तो सिंपल यही बोलेंगे कि मोमबत्ती को जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। तो कौन सा निष्कर्ष निकल के आया इस ऑब्जर्वेशन से, ओनली ए। तो जिन बच्चों ने ये टिक किया है उनका आंसर पूरी तरह से सही है, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पर पर्टिकुलर एयर में वो नहीं बता पा रहे, एयर तो मिक्सचर है सबका, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का आर्गन का ये सब कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ऐसा थोड़ी होता है। इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन जो है अपने वो देख लिए हैं, अब लास्ट में एक बार और फिर से हम 10 क्वेश्चन देखेंगे और इसी के साथ आज की क्लास जो है वो हमारी कंप्लीट होगी, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन जो है वो पूरे कंप्लीट कर लिए होंगे। तो चलिए पेडागोजी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आई पुट वन ईयर ऑन ए स्टील रेल रोड ट्रैक, मैं एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूँ, और वहाँ से 3 स्टेटमेंट हमें दिए हैं और इन कथनों को हमें पढ़कर बताना है कि कौन से इसमें अवलोकन है, कौन से इसमें ऑब्जर्वेशन है, कौन से इसमें प्रेषण है और कौन से इसमें इन्फ्रेंस है, निष्कर्ष है, वो हमें यहाँ पर बताने हैं। आई एम एबल टू हियर द अपेयरिंग ट्रेन सूनर थ्रू द ट्रैक देन थ्रू द एयर, क्योंकि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने देखा है कि सॉलिड में जो साउंड है वो जल्दी ट्रैवल करती है एज़ कम्पेयर टू एयर, तो इसी वजह से बच्चे ने ये ऑब्जर्वेशन वहाँ पर की होगी कि जब उसने अपने कान को ट्रेन की पटरी पर रखा तो उसे शीघ्र जो है ध्वनि सुनाई दे गई एज़ कम्पेयर टू वायु, तो वहाँ पर उसने क्या करा ये चीज़ ऑब्जर्वेशन करी। तो ये तो ए पक्का हमें साफ साफ दिख रहा है, ये क्या है, ये यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है। और बी स्टेटमेंट में फिर उसने एक यहाँ पर निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला कि जो साउंड है वो ट्रैवल करती है फास्टर थ्रू स्टील एज़ कम्पेयर टू एयर, बिल्कुल वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल करती है, और साथ में फिर एक बात और बोली कि साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू सॉलिड एज कम्पेयर टू गैस, गैसों की तुलना में ध्वनि ठोसों में अधिक गमन चाल से जो है वहां पर करती है। तो बी और सी यहां पर मेरे निष्कर्ष हो जाएंगे और ए मेरा यहां पर क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किया है उनका आंसर यहां पर सही होगा। देखिए जो चीज़ देखी और करी वो ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद जो चीज़ें बताई वहां से एक निष्कर्ष निकल कर आया कि स्टील में ज्यादा है, फिर ऐसी स्टील सॉलिड है तो सॉलिड में ज्यादा है, तो वो एक निष्कर्ष निकल कर आए फिर ऑब्जर्वेशन से। तो बी और सी हमारे यहां पर जो है निष्कर्ष है, इन्फ्रेंस है, और ए हमारा यहां पर ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इसमें अंतर पूछ रहा है, नियम और सिद्धांत, लो और थ्योरी के बीच में क्या अंतर होता है, चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। लो जो होता है, नियम जो होते हैं वो सामान्यीकरण होते हैं, जबकि सिद्धांत जो होती हैं वो व्याख्यान होती हैं। लो जनरलाइजेशन होते हैं, वेयर एज थ्योरीज आर एक्सप्लेनेशन। थ्योरीज में जो ऑब्जर्वेशन आपने देखी उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपने दिया। अब देखिए लॉज में अगर जैसे मैं बात करूँ, न्यूटन का थर्ड लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो एक जनरल स्टेटमेंट है जो हमने दे दी है जब हमने एक्सपेरिमेंट किए होंगे बहुत सारे, उनका टेस्ट क्या होगा, तो उसके बाद एक जनरल स्टेटमेंट वहां से निकल कर आ गई, तो वो जनरलाइजेशन स्टेटमेंट जो होती हैं वो आपकी लॉ होती हैं। लॉ को इजीली बदला नहीं जा सकता, जबकि थ्योरी जो है वो आपकी चेंज हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहां पर सही आंसर होगा, जो डिफरेंस दिखा रहा है इन दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, अ साइंस टीचर टू क्लास
सेवेंथ स्टूडेंट टू लेबोरेटरी प्रयोगशाला में लेकर गई बच्चों को। स्टूडेंट वर सीटेड कंफर्टेबली, बच्चों को आराम से बिठाया गया आराम पूर्वक। टीचर हेल्ड अ रिबन ऑफ मैग्नीशियम इन होल्डर, शिक्षिका क्या करती है होल्डर में मैग्नीशियम के फीतों को पकड़ती है, उसके पश्चात वो क्या करती है फीते के शीर्ष को मोमबत्ती की ज्वाला के निकट लाती है और एक चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ वो जल जाता है, वहाँ पर ऐश बन जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वहाँ पर फॉर्म हो जाता है। विद्यार्थियों ने सावधानी पूर्वक क्या करा, अवलोकन किया, वहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्वेशन करी और प्रयोगशाला में जो अवलोकन उन्होंने किया उसको रिकॉर्ड कर अपनी फाइलों में, जो प्रैक्टिकल फाइल है उसमें लिख लिया। तो देखिए यहाँ पर कौन सी स्ट्रैटेजी टीचर ने यूज़ की ये हमको यहाँ पर बताना है। तो साफ साफ दिख रहा है टीचर ने यहाँ पर क्या करा, डेमो करके दिखाया बच्चों को, जो डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर स्ट्रैटेजी टीचर यूज़ कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जिन बच्चों ने टिक किया होगा वो यहाँ पर सही होगा। बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बच्चे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो बच्चों के अंदर कौन सा प्रोसेस स्किल यहाँ पर डेवलप हो रहा है, बच्चों के अंदर जो है यहाँ पर जो अवलोकन है ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पर डेवलप हो रहा है, लेकिन टीचर क्या कर रही है डेमो कर दिखा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो सिचुएशन दी है हमें बतानी है बेस्ट कौन सी है डिस्कवरी लर्निंग के लिए, जो यहाँ पर ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है वो यहाँ पर बताना है। स्टूडेंट बीइंग इंस्ट्रक्टेड थ्रू टीम टीचिंग, देखिए अगर कोई और इंस्ट्रक्ट कर रहा है तो वो डिस्कवरी क्या होता है, खुद से खोज करना, तो वहाँ पर तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। अगर कोई टीम वहाँ पर उनको बता रही है तो ये यहाँ पर अच्छा मेथड नहीं होगा। यहाँ पर क्या करा, बच्चों को पहले डेमो दिखा दिया, देखिए ये विधि भी अच्छी नहीं होती जहाँ पर टीचर ज़्यादा एक्टिव हो गया एज़ कम्पेयर टू बच्चों की कंपेरिजन में। हमें बच्चे को एक्टिव रखना है, बच्चे से करानी है चीज़ें, तो डेमो हम नहीं दिखाएंगे, तो ये भी एक अच्छी विधि यहाँ पर नहीं होगी। स्टूडेंट लेवलिंग द गिवन मटेरियल एज कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर एंड प्लेसिंग दैम इन अ सेल्फ असेंबल्ड क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, ये बात बिल्कुल सही है। दी गई सामग्रियों में स्वयं बनाए, उनको सामग्रियों को स्वयं बनाया, उसके बाद क्या करा, जो बंद विद्युत परिपथ है उनमें रखकर उनमें उन्होंने खुद से पहचाना कि कौन से कंडक्टर हैं कौन से नॉन कंडक्टर हैं, उनका लेबल लगाया। तो यहाँ पर वो एक्टिविटी खुद से कर रहे हैं, खुद से चीज़ों को खोज कर रहे हैं कि कौन से कंडक्टर हैं कौन से नॉन कंडक्टर हैं, और कहीं ना कहीं ये डिस्कवरी लर्निंग की तरफ जो है बहुत अच्छा इशारा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो जिन बच्चों ने टिक किया है उनका आंसर यहाँ पर पूरी तरह से सही होगा। बाकी इलेबोरेट अंडरगोइंग यानी इलेबोरेट एंड डिटेल सेशन वगैरह करा रही है ये इतना अच्छा मेथड नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने टिक किया उनका आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोसेस स्किल, कौन सा समाकृत प्रक्रिया कौशल का एक उदाहरण है ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए समाकृत का मतलब क्या होता है, उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, बच्चे परिकल्पना भी कर रहे हैं, बच्चे ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं, बच्चे चीज़ों को डिफाइन भी कर रहे हैं, उन्हें कंट्रोल भी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, वो सब किस में जाती हैं, वो इंटीग्रेटेड प्रोसेस स्किल आपका होता है। मेजरिंग द वॉल्यूम, देखिए यहाँ पर तो सिंपल क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक ही चीज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर, इंटीग्रेट नहीं करें, सब चीज़ों को लेकर नहीं चल रहे, एस्टिमेटिंग कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं वेरिएबल को, तो इंटरप्रेटिंग डेटा कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। अब देखिए प्रिडिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट, यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर नहीं हुआ, इनमें एक एक चीज़ कर रहे हैं। लेकिन जब फोर्थ ऑप्शन को आप देखेंगे, जिन बच्चों ने फोर्थ ऑप्शन टिक किया होगा तो वो उनका सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले वो टेम्परेचर को मैन्युपुलेट कर रहे हैं, मतलब कंट्रोल कर रहे हैं वेरिएबल को, एंड रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं हाउ फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया होगा और उसके बाद उन्होंने एक निष्कर्ष भी निकाला, कैसे निकाला कि हाउ फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर से फर्मेंटेशन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर बच्चे मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस स्किल यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पर आंसर होगा। देखिए जो इंटीग्रेटेड प्रोसेस स्किल होती है, बच्चे क्या करते हैं उसमें कल्पना करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, डिफाइन ऑपरेशनली चीज़ों को बताते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं, जैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं वो टेम्परेचर को, तो यहाँ पर वेरिएबल चर को जो है वो नियंत्रित करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन प्रयोग भी वहाँ पर करते हैं, डेटा को इंटरप्रिटेट करते हैं और वहाँ से फिर जो है निष्कर्ष जो है इन्फ्रेंस जो है वो वहाँ पर निकालते हैं। तो ये सारा इंटीग्रेटेड प्रोसेस स्किल में आ जाता है जब मल्टीपल चीज़ें बच्चे वहाँ पर, मल्टीपल स्किल जो है बच्चे वहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर जिन बच्चों ने क्या, उनका आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी हैं और अब हमें बताना है कि कौन सा इसमें फॉर्मेटिव और कौन सा सम्मेटिव असेसमेंट की तरफ इशारा कर रहा है, कौन सा। देखिए तो दो दिए हैं, अब हमें इनके बेसिस पर यहाँ पर बताना होगा कि कौन सा सही है। असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट थ्रू आउट द इंक्वायरी लेसन, जांच पाठों के दौरान शुरू से अंत तक विद्यार्थी का आकलन, जब हम शुरू से अंत तक मतलब बीच बीच में कमियाँ बताते रहते हैं, उनको दूर करते रहते हैं, चाहे हम बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे उनके पोर्टफोलियो के थ्रू हम उनकी कमियाँ देख रहे हैं, तो जब पूरा शुरू से लेकर अंत तक हम देखते रहते हैं बच्चों की कमियाँ, वो किस में आती हैं, वो आप क्या जाती हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में। वो तो फॉर्मेटिव असेसमेंट या असेसमेंट क्या आता है,
असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर वो जो है आपका आ जाता है। फिर असेसमेंट एट द एंड ऑफ द सिलेबस टू चेक वेदर द इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। पाठ्यक्रम के अंत में जब हम आकलन करते हैं कि जो निर्देशित उद्देश्य हैं वो प्राप्त हुए हैं या नहीं, वो होता है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सम्मेटिव असेसमेंट वो आपका होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ए जो है वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है या असेसमेंट फॉर लर्निंग है, और बी जो है वो हमारा सबमेटिव असेसमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, यहाँ पर हमें गलत कथन बताना है विज्ञान की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ साइंस के बारे में। द लॉ ऑफ द साइंस आर फिक्स्ड एंड इटर जनरल ट्रूथ, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। नियम जो होते हैं वो स्थाई और शाश्वत सत्य होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं जैसे बचपन में हम पढ़ते थे 9 प्लैनेट है, लेकिन अब हम पढ़ते कितने हैं, 8 प्लैनेट है। तो जरूरी थोड़ी है वो फिक्स ही हैं और वो सत्य ही हैं, शाश्वत सत्य हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही नहीं, क्योंकि विज्ञान क्या है, डेवलपमेंटल है, एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसमें नई नई चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, साइंस इज सोशल एंडीवर, बिल्कुल विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है, समाज में जो चीज़ें हो रही उसी के हिसाब से तो विज्ञान बढ़ रहा है। साइंस डायनेमिक है, ज्ञान परिवर्तनशील और प्रसारशील है, यहाँ पर ये बात भी सही है। कोई फिक्स मेथड नहीं होता, सिंगल मेथड नहीं होता, कोई एक विधि नहीं होती, मल्टीपल विधि होती हैं, आप जो है एक्सपेरिमेंट भी मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, कहीं प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट को पाने के लिए या कहीं जाने मतलब कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल एम ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, हमसे नहीं है पूछा है, ये बताना है हमको। टू नो द फैक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन, विज्ञान के तथ्य और सिद्धांतों और उनके अनुप्रयोगों को जानना, बिल्कुल जो फैक्ट हैं प्रिंसिपल हैं साइंस के और जो उनमें उनको अनुप्रयोग कैसे करते हैं, उनके एप्लीकेशन वगैरह उन सबको जानना, ये विज्ञान में आता है। टू गेन द नॉलेज ऑफ अवेलेबल थ्रू मेमोराइजिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ साइंस, देखिए यहाँ पर विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तु को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना, ये यहाँ पर सही नहीं होगा। सिर्फ हम चीज़ों को याद कर रहे हैं, उनके प्रोसेस को हम याद कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर बिल्कुल तरह से गलत हो जाएगा। डिस्कवरी इंक्वायरी अप्रोच हमें रखनी है, बच्चों से खुद हमें जो है क्रियाकलाप करानी है, तो बी ही यहाँ पर एक एम नहीं होगा, उद्देश्य नहीं होगा। तो जिन बच्चों ने सेकेंड ऑप्शन या बी ऑप्शन टिक किया है उनका आंसर ठीक होगा। बाकी टू इम्बाइव द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी इंटीग्रिटी एंड कोऑपरेशन, देखिए ईमानदारी सत्यनिष्ठा और सहयोग जो है विज्ञान में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे लेबोरेटरी में टास्क परफॉर्म करते हैं, एक दूसरे की चिटिंग ना कर लें। अब जैसे बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है तो बच्चों से ये कहा जाता है आप खुद से सोचें, ऐसा नहीं कि बुक से क्या करा, जैसे नेट से क्या करा, विकीपीडिया से कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये हमें साइंस में बच्चों के अंदर इम्बाइव करने पड़ते हैं, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी और कोऑपरेशन, ताकि वो लेबोरेटरी में अच्छे से परफॉर्म करें, ऑनेस्टी अपनी दिखाएं जब वो प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रही हैं। टू नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी, उनकी जो प्राकृतिक जिज्ञासा है, एथेटिक सेंस है, क्रिएटिविटी है, उन सबको नर्चर करना है, बिल्कुल सही बात है, ये तो हम करते हैं विज्ञान में। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th क्वेश्चन, देखिए सपोज वी विश टू कूल अ रूम, हमें एक कमरे को ठंडा करना है। अब थर्मोडायनेमिक ये कहती है उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी होगी, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से मिलती है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं तो एयर कंडीशनर क्या करता है, कमरे को ठंडा कर देता है। उसके बाद इन्होंने ये और बताया कि थर्मोडायनेमिक ये गवर्न करती है कि गवर्न द इक्विलिब्रियम ऑफ डिफरेंट फेसेस ऑफ मैटर, इक्विलिब्रियम दिखाता है दोनों तरफ बराबर जो है फेसेस के, और इसी के वजह से हम क्या करते हैं एस्टिमेट करते हैं कि कितनी हीट जो है इवॉल्व हुई है, एब्जॉर्व हुई है केमिकल रिएक्शन में, सच एज फोटोसिंथेसिस रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है। मान लिया जाए कि कमरे को ठंडा करना है, ऊष्मा गति हमें बताती है ऐसा करने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और वो ऊर्जा की जो आपूर्ति है वो विद्युत करेगा जो कमरे को ठंडा कर देगा। विभिन्न प्रवस्थाओं में समयता को भी नियंत्रित करती है जो ऊष्मा गति की होती है, प्रकाश संश्लेषण जैसी रासायनिक अभिक्रिया में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई या अवशोषित हुई उसके अनुमान में भी ऊष्मा गति का उपयोग की आवश्यकता होती है। तो देखिए थर्मोडायनेमिक यहाँ कहाँ मल्टीपल जगह यूज हो रही है, हमें ये तो बता रहा है ये एग्जाम्पल कि जो थर्मोडायनेमिक है यहाँ वो अलग अलग जगह जो है वो लग रही है, उसको हमें इक्विलिब्रियम के डिफरेंट फेसेज में भी जरूरत पड़ रही है, कमरे को ठंडा करने में एक्स्ट्रा एनर्जी में भी थर्मोडायनेमिक जो है वहाँ पर लग रही है। तो विच ऑफ द
फ्लोइंग आइडिया अबाउट साइंस इज इलस्ट्रेटेड इन अबव एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट जो हमें ये ऊपर दी है, इस उद्धरण से निम्न में से विज्ञान के किन विचारों का स्पष्टीकरण यहाँ से होता है ये हमें बताना है। क्या यहाँ से आप कहेंगे साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, बिल्कुल यही यहाँ से लिख रहा है। विज्ञान जो होता है अधिगम जो है वो अंतक विषयक परक है, कि कैसे यहाँ पर जो थर्मोडाइनेमिक है वो आपके इस वाले कॉन्सेप्ट में भी लग रही है, यहाँ फोटोसिंथेसिस वाले कॉन्सेप्ट में भी, इक्विलिब्रियम करने में भी लग रही है। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग है, बाकी सोशल एंडीवर टेंटेटिव है, ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं आ रही हैं। तो ऑप्शन नंबर वन जो है वो यहाँ पर इलस्ट्रेट हो रहा है, ये जो पूरा हमारा उदाहरण जो एग्जांपल हमको दिया है। तो ऑप्शन नंबर वन जिन बच्चों ने टिक किया उनका आंसर सही है। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है एक पैराग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाए और आपसे पूछे बताइए यहाँ से क्या पता चलता है, साइंस का क्या नेचर है, ये आपको क्या दिखता है कि साइंस यहाँ से कैसी है। जैसे पीछे हमें दिखा थर्मोडाइनेमिक हर जगह मल्टीपल जगह यूज़ हो रही है, तो साइंस जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है। तो इसमें देखिए यहां पर लिखा है कि जब साइंस, मैं शॉर्ट में बता देती हूं, आप बाकी आप पढ़ लीजिएगा, कि यहां पर टेक्स्ट बुक में आपकी जो एनसीईआरटी है क्लास 7 वहां पर जो सिल्क है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, जो रेशम है उसकी खोज कैसे हुई, उसके बारे में पूरा दिया है। ये एग्जैक्ट टाइम किसी को नहीं पता, लेकिन चाइनीज लेजेंड यहाँ पर बोलते हैं कि जो एम्प्रेस था सी लुंगची, उसको आस्ड बाय द एम्परर हुआंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ डैमेज, मतलब जो हुआंग टी राजा था वहाँ का, उसने अपने एम्प्रेस सी लुंगची से कहा कि आप पता लगाओ जाकर ये जो मलबरी की पत्तियाँ हैं ये कैसे डैमेज हो रही हैं, ये कैसे टूट रही हैं या ख़राब हो रही हैं। तो वहाँ पर जाकर उसने जो उनका सिंगलूची था उसने जाकर वहाँ पर देखा, द एम्प्रेस फाउंड दैट यहाँ पर जो वाइट वॉर्म है, यहाँ पर कोई सिल्क मॉथ है, जब तो अननोन था, उन्होंने बोला कोई वाइट वॉर्म है जो मलबरी की पत्तियाँ जो हैं उनको खा रहा है, ठीक है। और उन्होंने बाद में ये भी नोटिस किया, उसने ये भी नोटिस करा कि वो अपने ऊपर क्या कर रहा है, ककून जो है प्रोटीन की जो एक लेयर है वो अपने ऊपर जो है बना रहा है, और बहुत शाइनी लेयर है, ठीक है। और वहाँ से एक बार क्या हुआ, एक्सीडेंटली जब वो चाय पी रही थी, वो जो ककून था वो उनके कप ऑफ टी में गिर गया, और वहाँ से जो थ्रेड हैं वो अलग हो गए। तो वहाँ से क्या हुआ, जब उन्हें थ्रेड दिखाई दिए तो वहाँ से उनको डिस्कवरी हो गई वहाँ से सिल्क की, ठीक है। तो अब सिल्क भी ऐसी ऑप्टेन होता है, ककून को गर्म पानी में डालते हैं तो उसमें थ्रेड जो है वो निकल जाती हैं। तो इस तरह से वहाँ पर डिस्कवरी हुई। फिर उन्होंने क्या हुआ, पहले तो उसे सालों छुपा कर रखा, फिर बाद में जो ट्रेडर्स थे वो एक दूसरी जगह गए उसको फैलाने के लिए, और जिस रूट से वो होकर गए वो आपका सिल्क रूट कहलाता है, ठीक है। तो वट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग लर्निंग आर फुलफिल्ड बाय इंक्लूडिंग द अबव इन द टेक्स्ट बुक। तो ये जो टेक्स्ट बुक में इंक्लूड करा गया तो कौन कौन से यहाँ पर जो है उद्देश्यों की पूर्ति होती है इसको पूरा सम्मिलित करने से, ये हमको यहाँ पर बताना है। आप हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है ये हमको बताना है। टू डेवलप अ हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव, बिल्कुल जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है कि देखिए कैसे हिस्ट्री में ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप हुई। तो ये तो टू डेवलप अ हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव, या हम हिस्टोरिकल वैलिडिटी यहाँ पर साफ साफ दिख रही है, तो ये तो होगा। To develop an appreciation of how incident or idea gave rise to the discovery of new things, बिल्कुल यहाँ पर ये तो हुआ, कैसे अचानक से वो कप के जो कप में चाय पी रहे थे उसमें वो ककून गिर गया जिससे थ्रेड निकल गए। तो यहाँ पर यह समझ विकसित करने के लिए कि कैसे घटनाएं और विचार जो होते हैं वो नई वस्तु की खोज को जन्म देते हैं, ये भी हमें साफ साफ इसमें से दिख रहा है। तो ऐतिहासिक जो परिदृश्य है वो भी विकसित करने के लिए ऐड करा गया होगा, कि कैसे पुरानी कैसे हमारे आइडियाज से ही जो है चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, ये चीज़ भी यहाँ से दिख रही है। विज्ञान की सकाल्यवादी समझ को विकसित करने के लिए ये भी यहाँ पर हो जाएगा। टू डेवलप अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, मतलब पूरा होलिस्टिक मतलब पूरा एक सार, पूरा मतलब निचोड़, वहाँ पर पूरी मतलब शुरू से लेकर अंत तक पूरी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस की, कैसे वहाँ पर चीज़ें जो हैं पूरी निकल कर आई, और फिर कैसे वो ट्रैवल करे, फिर कैसे सिल्क रूट, तो पूरी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर हमें दिख रही है। तो ये भी हो जाएगा, सी भी आ जाएगा। और देखिए ए और बी तो 100% आने हैं, तो एकमात्र जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर 4 ही दिख रहा है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 टिक करे है, क्योंकि ए और बी उसी में आते हैं, और उसके साथ हमारा सी भी जाएगा। फन एलिमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये चीज डाली गई है, ये यहां पर सही नहीं है। तो ए बी यहां पर सी सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 टिक करा है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। ये पूरी तरह से हमने सारे मॉक टेस्ट देखे, अब आपके लिए की वीडियो की एक वीडियो आएगी जिसमें की पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, पूरी तरह से तैयारी आपको करा दी। आप पढ़ते रहिए, नोट से पढ़ते रहिए, सारे क्वेश्चंस रिवाइज करते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, और चैनल से बने रहिए।